तो आज का गेम जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये हुआ था लुबोमीर कवालियक और गैरी कैस्परोव के बीच। लुबोमीर कवालियक, अगर आप लोग ना जानते हो तो ये चेकोस्लोवाकिया के लिए चेस ओलंपियाड में खेल चुके हैं। और इनके बारे में कई इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मैंने आर्टिकल जहाँ से पढ़ा था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उनमें से एक ये थी कि इनके फादर रेडियो फ्री मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे, तो इन्होंने जब इन्हें कई तकलीफें उससे उठानी पड़ती थी, तो एक जो बुक निकली थी टैक्टिकल बुक, मीर का भी मेंशन था असाइनमेंट के लिए, लेकिन पब्लिशर को विड्रॉ करनी पड़ी बुक। और 18,000 प्रिंटेड कॉपीज में से मैनुअली इनका नाम हटाया गया। तो अब इनके बारे में और पढ़ सकते हैं, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे। इन्होंने 2 बार चेकोस्लोवाकिया के लिए चैम्पियनशिप, चेकोस्लोवाकिया चैम्पियनशिप जीता है 1962 और 1968 में। आज का जो गेम है ये कस्पारोव ने तब खेला था जब वो मात्र 19 साल के थे। तो गेम की शुरुआत हुई C4, इंग्लिश ओपनिंग, G6, नाइट C3, बिशप G7, D4, नाइट F6, E4, D6। अब हम लोग किंग्स इंडियन में ट्रांसपोज कर रहे हैं। यहाँ पे खेला जाता है नाइट F3, कासल्स, H3, और यहाँ कस्पारो खेलते हैं E5, इमीडिएटली अटैकिंग द सेंटर, बेसिक किंग्स इंडियन स्टफ। D5 क्लोज करता है पोजीशन को। जनरली किंग्स इंडियन में होता क्या है कि ब्लैक जो है किंग साइड पे अटैक, डेडली अटैक स्टार्ट करता है, और वाइट क्वीन साइड पे अटैक करने की कोशिश करता है कभी कभी सेंटर में, और मतलब कई चीज़, मेजॉरिटी टाइम ब्लैक जो है किंग साइड पे अटैक करना चाहता है। यहाँ पे ब्लैक कस्पारो खेलते Nxe6, C5 स्क्वायर को कंट्रोल करते हुए। इस मैच में आप देखेंगे कि कैसे कस्पारो किंग्स इंडियन में अपने नाइट्स को मनूवर करते हैं, बस बहुत ब्यूटीफुल है जो मैंने देखा। मैंने कई गेम देखे हैं कस्पारो के, और उसमें सारे गेम्स में जिनमें कस्पारो ने किंग्स इंडियन खेला है उनकी नाइट मनूवरिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। तो यहाँ पे कवालिया कहते हो कि मैं तुम्हें आई देने नहीं कर सकता नाइट C5 पे, तो वो खेलते बिशप E3। यहाँ पे कस्पारो नाइट मनूवर करना स्टार्ट करते हैं नाइट H5 विद द थ्रेट ऑफ F5। कवालिया क्या खेलते हैं नाइट H2, तो यहाँ पे F5 स्टॉप कर दिया गया है। कैसे? अगर आप यहाँ F5 खेलेंगे, लेट्स से E takes F5, आप यहाँ ले नहीं सकते क्योंकि आपका पीस हैंग करेगा। अगर आप यहाँ बिशप से लेंगे तो यहाँ सिंपली G4 वाइट के लिए विनिंग हो जाएगा। तो इसीलिए कस्पारोव ने क्या यहाँ का लेट मी प्रोटेक्ट द नाइट, और उन्होंने खेला Qe8। देखिए यहाँ F5 आ सकता है क्योंकि अगर आप यहाँ पे F5 खेलेंगे तो फिर टेक्स के बाद ही क्वीन प्रोटेक्ट कर रही है। कोई अलग कहते हैं मैं डबल अटैक करूँगा नाइट को और तुम्हें F5 खेलने से रोकूँगा। कस्पारोव कहते हैं ओके, मुझे F5 अभी खेलना ही नहीं है। वो नाइट को धीरे धीरे क्लोज ले आते हैं मूविंग फॉरवर्ड। या देखिए नाइट दो चीज़ अटैक कर रहा है, एक तो बिशप और एक ये पॉन। कवालिया कहते हैं मुझे बिशप देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मुझे अपना पॉन। तो यहाँ अपने बिशप को भी सम वॉट मिसप्लेस लग रहा है ये वाइट का बिशप, क्योंकि ये देखिए डेड में कहीं कुछ है नहीं, लेकिन ये ओके है, कोई इसमें खराबी नहीं। कस्पारो यहाँ कहते हैं अब सही टाइम में F5 खेल देते हैं। तो कवालिया कहते हैं खेल ही दिया तुमने F5। तो यहाँ कवालिया कई चीज़ें कर सकते थे, लेकिन देखिए E takes F5 सही नहीं क्योंकि बिशप एक्टिवेट हो रहा है और अधिकतर लाइन कवाली को पसंद नहीं है। यहाँ पे सही मूव था कासल्स, फिर गेम कंटिन्यू होता, दोनों प्लेयर स्टार्ट करते और बहुत कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ना कवाली ने एक तरीके से कह सकते हैं
ऑल दो प्लेबल है, लेकिन एक और लुकिंग मूव खेला H4 क्यों खेला गया यहाँ पे? H4 इसलिए खेला गया क्योंकि कवालिया खेलना चाहते हैं यहाँ पे G3, लेकिन अटैक करते हुए नाइट को, लेकिन नाइट यहाँ पे H3 को अटैक कर रहा है, तो इसलिए कवालिया ने पहले खेला H4। कस्पारो ने कहा ओके तो तुम्हें G3 खेलना है और नाइट को हटाना है। कस्पारो कहते हैं लेकिन मैं पॉन अटैक करूँगा और तुम्हें G3 खेलने का मौका दूंगा। तो कवालिया कहते हैं बस यही मैं चाहता था, G3 खेलूँगा, बिशप बैक लाऊंगा, कासल्स करूंगा और मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे G3 जैसे कवालिया खेलते हैं, G3 खेलते कवालिया, यहाँ सोचिए आप कि आप एज अ ब्लैक क्या खेलते। यहाँ कस्पारो ने खेला Nb4। कितना कूल मूव है Nb4, कम्प्लीटली पीस दे रहा है क्योंकि आफ्टर G takes f4, f takes c4, bishop takes pawn takes, डबल अटैक है। और अगर यहाँ पे बेटर ऑल दो होगा नाइट से लेना, लेकिन आफ्टर e takes f5 f4, bishop 2 check, king e2 जान पड़ेगा। ऑल दो ये पोजीशन प्लेबल है और सही है, लेकिन विथ सो मच ट्रबल फॉर द किंग, मतलब बैक किंग की सेफ्टी यहाँ काफ़ी ख़राब है। किंग स्टिल सेंटर कवालिया ने कहा कि मुझे ये सब लफड़ा चाहिए ही नहीं, मैं Qb3 खेल रहा हूँ, आपके नाइट को अटैक कर रहा हूँ। लेकिन ये ब्लंडर था। और आप यहाँ पे कस्पारो कहते हैं अब मैं दिखाता हूँ क्या होता है पावर ऑफ नाइट। ये देखिए Nf3 check, इस नाइट को प्रोटेक्ट करते हुए चेक देते हुए कवालिया खेलते हैं यहाँ पे e2। कस्पारो यहाँ खेलते हैं f4। यहाँ कवालिया कहते हैं खेलना है तो मुझे यहाँ पे हटने दो, मुझे लाइन ओपन नहीं करनी। लेकिन यहाँ कस्पारो ओपन करते लाइन Xf3 f takes g3। और यहाँ पे एक बार फिर वीडियो को पॉज करिए और सोचिए विनिंग मूव क्या है ब्लैक के लिए। या a5 का तो गाइस आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि f5 यहाँ देखिए किंग ब्लैक वाइट का इतना वीक है कि बस ब्लैक को उसी का एडवांटेज उठाना और पीस नहीं देना है, और ब्लैक लास्ट में जीत जाएगा क्योंकि आफ्टर a3 Nc5 Qd1 और ये, और ब्लैक कम्प्लीटली बेटर है यहाँ पे, विनिंग भी है। लेकिन कस्पारो ने खेला वो ड्रॉइंग चांसेस देता है, वो बहुत बड़ा ब्लंडर तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत हार्ड है इसको पनिश करना। तो यहाँ कस्पारो, और मैं भी इंजन से बता रहा हूँ, तो ये ऑन द बोर्ड ये सब मूव खेलना अगेंस्ट कस्पारो इज नॉट ईजी गाइस। तो यहाँ पे Rook takes f3 स्टनिंग। यहाँ पे बाई फोर से आपको नाइट से लेना पड़ेगा रुक। सो आफ्टर Nt takes यहाँ कस्पारो खेलते हैं Bg4। कवालिया प्लेस Rook f1, कस्पारो प्लेस Rook a f8। कवालिया के यहाँ पे खेलते हैं Nd1। देखिए यही मिस्टेक थी, टिपिकल मिस्टेक। यहाँ पे अगर आप Bishop e3 खेलते हैं और अपने किंग के एस्केप के लिए जगह बनाते हैं, और आप पीस तो देंगे, हाँ ठीक है पीस देंगे, ऐसे Qf6 Qd1 आप पीस देंगे, लेकिन आप फिर पीस Bishop e3 लास्ट ट्राई हो सकता था कवालिया का, क्योंकि ये देखिए पहली बात तो ये एक स्क्वायर बना रहा है किंग के लिए, और आफ्टर लेट्स से Qf6 Qd2 यहाँ पीस देंगे, लेकिन आप फिर पीस गेन भी करेंगे, यहाँ जाना पड़ेगा पिन से बाहर, फिर Nt takes Rook takes बेस्ट प्ले होगा। यहाँ पे विथ बेस्ट प्ले ड्रॉइंग चांसेस क्रिएट किए जा सकते हैं विथ इंजन, लेकिन अगेंस्ट कस्पारो आई डोंट बिलीव दिस। a3 मेकिंग योर किंग सेफ, लेकिन यहाँ पे कस्पारो खेलते हैं Qf7, और यहाँ पे Bishop e3 अब काम नहीं करता है क्योंकि यहाँ आफ्टर Bishop takes f6 Qd1
यहाँ पे देखिए आपके रुक पे अटैक है ना, और यहाँ पे आफ्टर रुक जीवन कस्पारो जंप इन करते हैं क्वीन एच थ्री से, वो खेलते हैं बिशप टेक्स ई फोर, जस्ट अमेजिंग स्टफ गाइस। मतलब मैंने ये जब मूव देखा तो मैं पूरी तरीके से शॉक रह गया था। यहाँ रुक टेक्स एफ एट चेक, बिशप टेक्स एफ एट, और यहाँ पे ए टेक्स बी फोर टू चेक, कवालिया खेलते हैं किंग सी थ्री, और यहाँ पे फाइनली द बेस्ट मूव जो मुझे लगा पूरे गेम का वो है नाइट सी वन, जस्ट अमेजिंग स्टफ। क्यों यहाँ नाइट लिया क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि नाइट लेने के बाद यहाँ आ रहा है क्वीन ई टू विद द थ्रेट ऑफ मेट इन वन, तो यहाँ पे बाई फोर से आपको खेलना पड़ेगा बी फाइव, लेकिन आफ्टर सी फाइव आप पॉन पर सॉक कर सकते हैं, लेकिन ये वन ऑफ द मतलब क्या कहा जाए, ये देखिए पॉन, ये पॉन हेल्प करेगा चेकमेट डिलीवर करने में, तो आपको बेस्ट डिफेंस होगा नाइट एफ टू खेलना, लेकिन आफ्टर क्वीन एफ थ्री चेक, किंग डी टू, क्वीन टेक्स एफ टू, किंग डी वन, क्वीन टेक्स रुक, किंग ई टू, क्वीन एच टू चेक, और ये देखिए पूरी तरीके से कस्पारो पीस अप कम्प्लीटली भी नहीं है। और अगर आप यहाँ पे नाइट नहीं लेते हैं, आप यहाँ पे अपने क्वीन को हटाते क्वीन एफ, तो यहाँ फिर बी फाइव बहुत स्ट्रांग है, बी फाइव सी टेक्स बी फाइव क्वीन ई टू मेटिंग अटैक, फिर से फिर आपको देना पड़ेगा वही नाइट टू और कॉम्बिनेशन, यहाँ पे फाइनली किंग डी फोर मेट।